हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं एक 3 बैटरी लेके पावर बैंक बनाया, उसका एक मॉडल ख़रीदा। जस्ट इसको ओपन करके मैं दिखाता हूँ कैसे बनाया है। ये बहुत अच्छा से काम करता है और कैसे काम करता है वो भी दिखाएगा। ये देखिए फ्रेंड, मैं एक जियो का डिवाइस लिया है, अभी ये चार्ज नहीं हो रहा है। मैं इसको लगा के दिखाएगा इसमें कैसे चार्ज हो रहा है। तो इसमें 2 पॉइंट है, एक 2 एम्पेयर का है, एक 1 एम्पेयर का है, और कितना परसेंटेज का बैटरी है ये दिखाएगा आपको। मैं ऑलरेडी ये बना दिया है, ये पूरा खोल के दिखाऊंगा मैं कैसे बनाया है। इसमें 3 बैटरी लगाया है मोबाइल का। आप भी ऐसा घर में आराम से एक छोटा सा मॉड्यूल लेके कोई भी बैटरी से यूज कर सकते। देखिए फ्रेंड, ये 91% बैटरी है। अभी इसका आउटपुट भी ये दिखा रहा है, आउटपुट के 1 एम्पीयर का। अगर मैं इसमें लगाएगा तो 2 एम्पीयर का, ये छोटा सा है तो मैं इसमें लगाया है। इसको निकाल देगा तो ये आउट दिखाएगा नहीं है। और ये देखिए, ये चार्ज भी हो रहा है, ये देखिए। देखिए फ्रेंड, ये बहुत लंबा वाला लगाया है, ऐसे ऐसे निकल रहा हूँ अभी। ये जो टैप है बहुत बड़ा लगा दिया था पूरा, ये पूरा निकल के एक एक दिखाएगा आपको। लगाने के लिए दिया है प्लस और माइनस, मैं इसको सोल्डरिंग नहीं किया है, जस्ट इसको एक गम चिपका के लगा दिया है ऐसा ही। इसको सोल्डरिंग मालूम नहीं, ऐसा कर सकते हैं। तीनों बैटरी का प्लस एक जगह लगाया, तीनों बैटरी का माइनस एक जगह लगा के ऐसे बना दिया है। मैं दिखाता हूँ खोल के। इसका ये स्विच है इधर, ये ऑन इसलिए नहीं हो रहा। हाँ, हो गया, क्योंकि ये लूज कनेक्शन है, ये हम दोनों का प्लस और माइनस का। अगर आप सोल्डरिंग करेंगे तो लूज कनेक्शन नहीं रहेगा, तो आप सोल्डरिंग करने के लिए ट्राई कीजिए कभी भी। इसका लाइट भी जल रहा है, देखिए देखिए फ्रेंड्स, मैं चार्जिंग करके दिखाता हूँ। चार्जिंग कनेक्टर लगाते ही इधर से लाइट जला, फिर बंद हो गया, इन बोल के लिख। इसमें और एक फ़ायदा भी है, इसमें आप कोई भी ख़राब मोबाइल भी पहचान सकते हैं। इसमें दिखाएगा वो ख़राब मोबाइल कि कैसा, ये सही में ख़राब है आपका। यहाँ दिखा देगा, मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड, ये आईफोन का ये मॉडल ख़राब है, अभी इसका मदरबोर्ड में इशू है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको चार्ज करके कैसा ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसमें क्या दिखा रहा है आप देख सकते हैं। पहले मैं इसको निकाल देता हूँ, चार्जिंग वाला को निकाल दिया। ये आईफोन का ये पुराना मॉडल है, तो ये 2 एम्पीयर में नहीं लेता है, तो 1 एम्पीयर में ही हमको लगाना पड़ेगा। देखिए मैं लगा दिया, लेकिन ये कुछ भी नहीं दिख रहा है। आउट लिख रहा है लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी देखिए, मैं अभी दूसरा फ़ोन में लगाता हूँ तो ये आराम से काम करता है। इसमें लिखता है कितना एम्पियर, लेकिन अभी एम्पियर नहीं लिखता है। इसका मतलब ये फ़ोन ख़राब हो गया, बल्कि भी आप भी जान सकते हैं फ्रेंड। अभी देखिए, मैं जो इसको अभी चार्ज करेगा तो वो कैसा और क्या लिखता है देखेंगे। देखिए, आउट लिखा, इधर एम्पेयर भी लिखा, लेकिन वो फ़ोन में लगाने से ये एम्पेयर भी नहीं लिख रहा था, ये 1 एम्पेयर लिखा। मैं अगर इधर चार्ज कर रहा हूँ दूसरा साइड में, ये मेरा थोड़ा लूज है इसलिए चला जाता है। नहीं, ये इसको सपोर्ट नहीं करता है 2 एम्पेयर, सो वो नहीं आया। तो देख लीजिए, अभी ये चल रहा है, चार्ज हो रहा है, ये 1 एम्पीयर लिखा, लेकिन वो जो आईफोन का लगाया था वो ख़राब था, इसलिए वो उतना भी लिखा नहीं है। देखिए फ्रेंड, मैं अभी निकला,
ये देख सकते हैं आप, तीन बैटरी दिखाई दे रहा होगा, एक छोटा सा है उसका, एक मिडिल में सैमसंग का है और एक आईटेल का है, ये भी कुछ दूसरे का फ़ोन का ही है। तीनों में तीनों को लगा के मैं किया है, तीनों का प्लस का एक लाइन लिया है ऐसा, और तीनों का माइनस का एक लाइन लिया है, ये प्लस दिया है, ये साइड माइनस दिया है, ऐसा करके इसको घुमा के ऐसा लेके आके इसके अंदर लगाया है दोनों जगह में, ये देख सकते हैं। ऐसे घुमा के इसमें रखा है इसलिए ऐसा ये दिख रहा है। ये बहुत बढ़िया सा एक मॉडल है, आप कोई भी कर सकते हैं, मैं तो सोल्डरिंग भी इधर नहीं किया है, ऐसा ही रख लिया है, दिखाता हूँ ओपन करके। फ्रेंड्स देखिए मैं इसको पूरा ओपन कर दिया है, ये देखिए वहाँ से ऊपर से प्लस माइनस करके, ये केबल भी दूसरा बैटरी का है, दूसरा दो बैटरी का है, दोनों को एक ही जगह में कर दिया अंदर से, अंदर सबको एक ही जगह में करके रख लिया, तीन बैटरी है, आप दो बैटरी एक बैटरी भी लगा सकते हैं। तीन बैटरी मेरा फुल होने के लिए, आईफोन को चार्ज करने के लिए मेरा ये तीन बैटरी को लगाया, तो ये 2 घंटा लगता है फुल होने के लिए, और ये थोड़ा स्लो है, आप फास्ट इसको ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, ये थोड़ा स्लो है चार्ज होने के लिए, एक रात पूरा लग जाता है मेरा चार्ज होने के लिए, और ख़त्म होने के लिए जल्दी भी ख़त्म होता है। अभी देखिए बात करते करते 92% आ गया है, तो आप देख सकते हैं इसे। तीनों बैटरी का प्लस को एक जगह लगा लीजिए, तीनों बैटरी का माइनस को एक जगह लगा लीजिए, दोनों कनेक्शन निकाल के इसका प्लस माइनस में लगा दीजिए, हो गया आपका बैटरी पावर बैंक हो गया, और ये अपने आप धीरे धीरे बंद हो जाएगा, अब फिर स्विच ऑन करने से ऑन होगा। लेकिन ये मेरा लूज है इधर, ये देख सकते हैं इधर लूज है क्योंकि मैं सोल्डरिंग नहीं किया, आप सोल्डरिंग कर देंगे तो टाइट होकर रहेगा, ये दोनों जगह में आप देख सकते हैं। ये देखिए आ रहा है, फिर जा रहा है, एक बार ये सोल्डरिंग करने से, ये जिसको सोल्डरिंग मालूम नहीं ऐसा अच्छा से कर सकते हैं लगा के, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फ्रेंड्स मेरा ये जो पावर बैंक में ऐसा बना है, आप लोग को कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।